देश को विकास और गति देने में बिजली अहम भूमिका निभाती है। विकास के पहिए लगातार चलते रहें, इसके लिए चाहिए निर्बाध निरंतर बिजली। बिन बिजली सब सू। देश को आजाद हुए कई दशक बीत जाने पर भी करोड़ों भारतीय इस सूनेपन से जूझने के लिए विवश थे। सन 2014 में बिजली की मांग ज्यादा थी और उत्पादन बेहद कम। जब तब बिजली का गुल होना आम बात थी। औसतन दिन में 12 से 15 घंटे बिजली आती थी। विकास के पहिए सुस्त या ठप पड़े थे। नई सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को इस अंधकार से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। भारत सरकार ने कई नई योजनाएं और नीतियां लागू करके बिजली उत्पादन को तेज रफ्तार दी। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। परिणाम सुखद रहा। पिछले 8 वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता में 1,69,000 मेगावाट से ज्यादा की असाधारण वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजनाओं को नई गति और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया है। बायोमास और व्यर्थ पदार्थों से भी बिजली बनाई जा रही है। कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, डीजल और परमाणु ऊर्जा की बिजली उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थापित 1,320 मेगावाट क्षमता के पावर स्टेशन की तकनीक सामान्य बिजली घरों से कहीं अधिक उन्नतशील है। इसमें कोयले के कम खर्च से अधिक बिजली बनाई जा रही है। बिजली उत्पादन की तेज रफ्तार और पर्यावरण के बीच संतुलन बैठाते हुए बड़ी क्षमता के विंध्याचल और बाढ़ जैसे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। इनमें इस्तेमाल की जा रही सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बिजली उत्पादन की कुशलता बढ़ जाती है। बिजली घरों के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और बिजली घर में जल संरक्षण के उपाय अपनाकर भी पर्यावरण के हितों को साधा जा रहा है। 21वें पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत ने सन 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से कुल बिजली उत्पादन को 40% तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, परंतु तेज और संगठित प्रयासों के कारण हमने सन 2021 में ही ये लक्ष्य हासिल कर दिया। पिछले 8 वर्षों में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं सहित अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पादन की क्षमता दुगनी हो गई है। अकेले सौर ऊर्जा में 18 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। एक ओर राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा के विकास का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, दूसरी ओर कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों ने भी अक्षय ऊर्जा की ओर रुख कर लिया है। बड़ी बड़ी क्षमता वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देश में संचालित किए जा रहे हैं। भारत ने अत्यंत कम समय में मांग से अधिक बिजली उत्पादन करके दुनिया में मिसाल कायम की है। बिजली के अभाव का अंधकार छट चुका है। अब देश में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 400,000 मेगावाट को पार कर चुकी है, जबकि अधिकतम मांग 215,000 मेगावाट देखी गई है। तो अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली है। अब भारत के शहरों में लगभग 24 घंटे तथा गांवों में औसतन 22.5 घंटे बिजली मिलती है। बिजली उत्पादन क्षमता की इस सफलता ने भारत को दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया है। बिजली की रोशनी से भारतवासियों का जीवन जगमगा रहा है।